हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तप्तीस वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मेरे सभी प्यारे फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को एडवांस में हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, दिवाली पर हम अपने मेन गेट को कैसे डेकोरेट करें। तो उसके लिए आप एक तोरण ले सकते हैं, ये मैंने एक मार्केट से परचेज किया हुआ तोरण लिया है और इसकी कॉस्ट भी सिर्फ 100 रुपीज़ है। हम लोग बहुत ही ईजी कॉस्ट में अपना गेट कैसे, मेन डोर कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, देखिए उसके लिए मैंने ये तोरण लिया है एक। आप ये तोरण तो चाहे घर पर भी बना सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने एक ऊन का तोरण बनाया हुआ है। उसके बाद दिवाली है तो शुभ लाभ लगाना तो बनता ही है। तो ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ से शुभ लाभ बनाया है, ये भी एक हैंडमेड आइटम है। ओनली इसमें 20 रुपीज़ का खर्चा आया है, 20 रुपीज़ में आप शुभ लाभ बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर शुभ लाभ है। ये मैंने कैसे बनाया है, मैंने जो भी यहाँ आइटम यूज़ किए हैं वो सारे हैंडमेड है। आपको अगर देखना है कि मैंने कैसे बनाया है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तोरण भी हो गया हमारा, शुभ लाभ भी हो गया है। अब बात आती है मार्केट के शुभ लाभ की। अगर आप घर पर नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरह के डिज़ाइनर शुभ लाभ भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, 20 to 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तक इजीली मिल जाते हैं। अब मेन डोर है तो दीपक तो लगाते ही हैं दिवाली पर। ये देखिए इस तरह से मैंने ये ओल्ड जो हमारे दीपक थे मैंने उनका रीयूज़ किया है, उनको डेकोरेट किया है। ये आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ों की लिंक देख सकते हैं। मेरे चैनल पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। ये देखिए, अगर आप बड़ा दीपक लगाना चाहते हैं तो ये बड़ा दीपक है, ये मैंने डेकोरेट किया है। अब हम लोग दीपक इजीली गेट पर रखना तो बहुत कॉमन बात हो गई है, उसके लिए अगर हम इस तरह से कोई डिज़ाइन नीचे बेस के लिए बना लें तो वो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम इसके ऊपर ये दीपक जलाएंगे तो देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। इसको मैंने कैसे बनाया है ये भी मेरे चैनल पर डला हुआ है। अगर हम चाहें तो इस तरह से भी दो दीपक रख के इसमें लगा सकते हैं और जब हम इन दीपक को जलाएंगे तो ये बहुत प्यारा लुक देंगे। जो सिंगल कॉर्नर्स पे दीपक रखना बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत ओल्ड फैशन हो गया है, या इस तरह से बेस कोई भी नया बेस बनाकर दीपक रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपका मेन डोर। उसके बाद हमारी आती है लाइटिंग, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको लाइटिंग। और आप हैंडमेड जो भी आपके आइटम्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने मेन डोर पर इस तरह का एक शोपीस भी लगा सकते हैं। ये मैंने कैंडल शोपीस बनाया है, ये भी हैंडमेड आइटम ही है। ये देखिए, आपके अगर घर में कॉर्नर है तो आप उस कॉर्नर पर इस तरह से ये शोपीस लगा सकते हैं। ये मटकी को डेकोरेट करके मैंने शोपीस बनाया है। ये आप अपने घर के कॉर्नर में लगा सकते हैं, जो आपका गेट होता है उसके साइड में अगर प्लर दिया हुआ है तो आप वहाँ पर ये लगा सकते हैं। और सबसे एंड में आती है हमारी रंगोली। अगर दिवाली पे हमारे मेन गेट पे रंगोली नहीं है तो हमारा दरवाज़ा बहुत सूना सूना लगता है, तो हमारी रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे स्पेशल हमारे लिए रंगोली ही होती है दिवाली पर। ये मैंने ही रंगोली बनाई है, अगर कैसे बनाई है देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस तरह के कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए हैं। ये मेरा एक फ्लावर पॉट था जो कि मेरा टूट गया है, तो मैंने उनके फ्लावर का इस तरह से यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप हैंडमेड शुभ लाभ बना सकते हैं। ये मैंने मेरे मेन गेट के जस्ट ऊपर लगाए हुए हैं साधियाँ और शुभ लाभ, ये भी एक हैंडमेड आइटम ही है। आप इस तरह के शुभ लाभ का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने जय जनेंद्र लिखा हुआ है, ये भी हैंडमेड आइटम ही है। आप इस तरह से जय जनेंद्र या फिर आप जो भी आप मानते हैं जिन भगवान को उनका नाम जय श्री राम या फिर जो भी आप लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। ये भी मेन गेट पर बहुत अच्छा आता है।